हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ दही बेसन वाले आलू की सब्जी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। और वीडियो पर कमेंट जरूर करिए और लाइक करिए वीडियो को। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने नहीं किया है, और जिसने किया उसको मैं थैंक यू बोलती हूँ। और प्लीज़ आप जैसे वीडियो देखते हैं मेरा और कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, और प्लीज़ वैसे मेरे लाइव में आया करिए। मैं लाइव आती हूँ 12 बजे, तो प्लीज़ ज्वाइन करिए आप लोग। और मैं इंतज़ार करूँगी आपका, वेट करूँगी। थैंक यू सो मच। और देखते हैं इसमें क्या लगता है और कैसे बनता है। ये मैंने बटाटा लिया है 250 ग्राम, और उसे मैंने बॉईल करके छिलका निकाल के कट कर लिया है ऐसे। और ये मैंने दही लिया है 1 कप, और ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है हमें, थोड़ा हल्का खट्टा होना चाहिए। और खट्टा, तीखा और नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और ये हल्का खट्टा दही है। ऑयल लेंगे जितना ज़रूरत होगा उतना लेंगे, आधा कप पानी लेंगे। और ये धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून लेना है हमें, 1 टेबल स्पून बेसन, आधा टेबल स्पून जीरा, नमक स्वाद के अनुसार, और 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और गार्निशिंग के लिए थोड़ा धनिया लेंगे। और देखते हैं हम कैसे बनता है। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसमें हम दही को निकाल लेंगे। और इसमें हम बेसन भी डाल देंगे जो मैंने 1 चम्मच लिया था, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे अच्छे से, फेंटिए इसमें कोई गुठलियाँ ना पड़े, अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही में। मैंने 1 कप दही लिया है, और इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। और इसके साथ में इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी, और अच्छे से मिलाएंगे। ये अच्छे से मिल गया है, और अब इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे, 1/2 कप डालना है पानी, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे। और अभी इसको हम साइड में रख देंगे। और ये मैंने गैस को ऑन कर दिया है और गैस पे कढ़ाई रख लिया है, और अभी इसमें हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल आप कम ज़्यादा ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं, और ऑयल को गर्म होने देंगे। ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है, और अभी इसमें हम जीरा डालेंगे। और इसको अच्छे से भून लेंगे। गैस को मीडियम कर देते हैं, मैंने दम कम रखा था ऑयल गर्म होने के बाद में, तो गैस को हम अभी मीडियम रखेंगे। और अभी इसमें हम बटाटा डाल देंगे। इसको भी अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। और अभी इसमें हम मसाले डालेंगे, और गैस को कम कर देते हैं और मसाले डाल लेते हैं इसके अंदर। इसे मैंने थोड़ा सा भून लिया है, अभी इसमें हम मसाले डालेंगे। थोड़ा सा पका लीजिए, और उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे, और धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। और ये सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है, और बारिश के मौसम में बनाइए आप, बहुत अच्छा और इजी में और घर में बन जाता है, क्योंकि बारिश में सब्ज़ियाँ अच्छी नहीं मिलती हैं, सबको मालूम है, और बहुत महंगी मिलती हैं। तो ये बनाइएगा आप, और पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और अच्छे से भून लेंगे, और गैस को मैंने एकदम मीडियम रखा है। इसे मैंने थोड़ा भून लिया है, और अभी इसमें हम दही वाला जो मिक्सर है वो डालेंगे,
और इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे और ज़्यादा खट्टा दही मत लीजिए। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो हल्का खट्टा रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं। और इसको अच्छे से मिला लेती हूँ मैं और गैस को थोड़ा फास्ट कर देती हूँ मैं। और ये मैंने अच्छे से मिला लिया है इसे, और चलाते रहिए। नीचे से बेसन है फिर जलने ना पाए तो चलाते रहेंगे और गैस को थोड़ा फास्ट कर लेंगे। और इसमें नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। और ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसको अच्छे से मिलाएंगे। अभी मैं गैस को फास्ट कर दूंगी और इसको 5 मिनट पकाएंगे और उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि बहुत जल्दी पक जाता है। बटाटा हमारा बॉईल है तो बेसन थोड़ा सा पकने देना है, मसाला कच्चा ना रहे, तो फास्ट करके 5 मिनट तक पका लेते हैं। और इसे पकते हुए 5 मिनट हो गए, अभी गैस को मैं कम कर दे रही हूँ, मीडियम एकदम कम। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी पक गई है, तो गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। और ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, कहीं बाहर जा रहे हैं आप तो बटाटा बॉइल करके रख के जाइए और आने के बाद तुरंत बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने रख दिया गार्निशिंग के लिए। और ये आपको जिसके साथ पसंद हो, चपाती चावल जिसके साथ खाना हो आप खा सकते हैं, अच्छा लगता है तो आप बनाइए। और अभी इसको हम सर्व कर लेते हैं, एक प्लेट में निकाल लेते हैं, सर्विंग प्लेट में। और ये मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है सब्जी को, और इसे हम थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर देंगे। ये मैंने धनिया से गार्निश कर दिया है और दही बेसन वाले आलू की सब्जी ये बनके तैयार है। तो आप बना के देखिए, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और बहुत टेस्टी और अच्छा भी होता है खाने में और बहुत अच्छा है, तो बना के देखिए। और पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और फिर से मिलते हूँ मैं नई रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।